सो यहाँ पे चल रही है बेबी के वेलकम की तैयारी। यहाँ पे मेन डोर पे हमने लिख दिया है वेलकम, और वेलकम कौन कर रही है? बुआ जी। सो बुआ जी लगी हुई है यहाँ पे डेकोरेशन करने। और नहीं तो क्या, यही हमने पूरा फूलों से डेकोरेट कर दिया है। अच्छा लग रहा है, मैं ऊपर जाके देखूं यहाँ से यहाँ पे येलो कर देंगे। हाँ, यहाँ पे बीच में येलो कर देंगे। मेन डोर पे वेलकम, एंड यहाँ पे कुछ बैलून लगा दिए, बाकी अंदर रूम में भी थोड़ा बहुत डेकोरेट किया है, और सीढ़ी पे भी हमने ये डेकोरेशन थोड़ी बहुत कर दी है। पूरा हमने नीचे तक डेकोरेट कर दिया है ये इस यहाँ से। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे। सो आज हमारे घर में न्यू बॉर्न बेबी का वेलकम होने वाला है, सो उसी की तैयारियों में लगे हुए हैं। क्या क्या काम चल रहा है घर में, चलिए आप लोगों को बता देती हूँ। एंड मैं भी नहा धो के रेडी हो गई हूँ, क्योंकि भाई न्यू बेबी का वेलकम करना है तो बनता है ना। मम्मी यहाँ देखो, मम्मी इधर देखो। अरे मम्मी को, मम्मी किचन में बना रही हैं खाना, ये देखो, क्योंकि भाई बहुत सारा तामझाम फैल जाता है। सो मम्मी खाना बना रही हैं, एंड मनीषा को भी खाने पीने का बनाएंगे। तो मम्मी वो खाने में बिजी हैं, और हम लोग डेकोरेशन के काम में बिजी हैं, एंड जो भी ऊपर का काम है ना वो सारा करने हुए हैं। सो ये देखो, ये लोग मस्ती कर रहे हैं। और हाँ, मैं बैक कैमरा करके दिखाती हूँ हम लोगों ने कितनी डेकोरेशन कर ली है। दीदी लगी हुई है डेकोरेशन करने में, ये यहाँ दीदी लगी हुई है। अभी मैं पूरा नीचे से कैमरा लेके आती हूँ, एंड दिखाती हूँ हमने क्या क्या डेकोरेट किया है एंड कैसा किया है। बैक कैमरा करके दिखाते हैं। बेबी का वेलकम करने के लिए, एंड अभी फोन आया था कि हॉस्पिटल से छुट्टी हो गई, तो वो लोग 10 मिनट लग जाएंगे, 10-15 मिनट लग जाएंगे, बस वो लोग निकलने वाले हैं। तो हेलो, तो बोलो हेलो, कैसा लग रहा है बड़े पापा बनके? लगने लगा मैं बड़े पापा, और क्या है। सबको वो मिल गई है, नई दूसरी उपाधि मिल गई है। हम पहले मम्मा पापा थे, अब हम बड़े पापा बड़े मम्मी बन गए हैं। ये मौसी बन गई है ये मौसी। हमारा छोटा बेबी आ गया है। बेबी दिखाना, ये है बेबी। ऊपर ले, ऊपर ही करना, ऊपर ही करना, ऊपर ही चलो। अब कौन आ गया? भाई। अब मेरा क्या है? ये भी। और हमारा भी। हाँ। देखो बस बना रहा है, देख। चलो। उसको ले जाओ, भाभी बता दो, दोनों मम्मी आपको। चलो जाओ जाओ। सब खुश रहे, सब परिवार। दोनों तरफ डाल दो। अरे मेरा नन्ना मुन्ना, इतना नीनी करता है अभी श्यालसी ना खा गई है। चलो। हाँ वो सही, चलो आओ अंदर। इस पर से आना फूलों में से। ओहो नहीं, मिल गया। फूलों में से आओ, फूलों में से। Wow! 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 W
चलो अंदर आ जाओ बेबी। ये फाइनली हमारे बेबी का वेलकम हो गया। अरे रुक जा। सो गाइस फाइनली हमारे घर में न्यू बॉर्न बेबी का वेलकम हो गया एंड उसके वेलकम के लिए हम दोनों ननद भाभी ने थोड़ी सी डेकोरेशन की थी। सो कैसी लगी आप लोगों ये डेकोरेशन एंड ये ब्लॉग पूरा देखना एंड बताना कैसा लगा। और यहाँ पे हम लोगों ने सोचा था कि जब न्यू बॉर्न बेबी आएगा ना तो ढोल बजवाएंगे, बट ढोल वाले थोड़ा सा लेट हो गए। हमारा जो बेबी है ना घर के अंदर एंटर भी हो चुका उसके बाद फिर ढोल वाले आए, थोड़ा सा लेट हो गए वो, बट कोई नहीं अब चलिए नीचे आ गए हम लोग। थोड़ा सा यहाँ पे डांस वगैरह करेंगे एंड रुद्रांश के पापा पटाखे लिए थे वो पटाखे फोड़ेंगे और बस यहाँ पे थोड़ी सी मस्ती चलेगी हम लोगों की। क्यों इसकी आवाज़ डबल डबल बार दादी दादी और नानी है आंटी पीछे गाय आ रही बड़ी मम्मी बन गई भैया बड़ी मम्मी। गाय को खिला दो गाय को, गाय भी बोले मुझे भी अपनी खुशी में शामिल करो। अरे भैया को तो दे दो। धन्यवाद भैया। बुआ निछोर कर लाना बच्चे के ऊपर से।
अरे अरे फूल खा रही है, सारे फूल खा लिए गाय ने। बाबू साइड हो बेटा, बच्चों ने पूरे फूल बटोर बटार के सारे डेकोरेशन खराब कर दी, कुछ नहीं बचा। ये देखो सारे फूल साफ कर दिए, और जो मैन डोर पर डले थे वो गाय आई तो गाय ने खा ली। सो फाइनली दोनों चले गए, खूब सारा डांस कर लिया, पापा ने मम्मी ने सब लोगों ने कर लिया। चलो ऊपर चलते हैं और देखो वेलकम सब साफ कर दिए, बस इतना सा बचा है वेलकम ही लिखा। अंदर देखो कितना गंदा हो रखा है। अभी टाइम हो रहा है शाम का और आज दीदी जा रही हैं, बस थोड़ी देर से निकलेंगी। हम लोगों ने सोचा दीदी के साथ दो चार फोटो क्लिक कर लेते हैं, और बच्चे देखो कैसे बैठे हुए हैं उस छोटे बेबी के पास में। डर लग रहा था कि बस वो खींचातानी ना कर दे बच्चे की, इसलिए। और बस उन लोगों को ना ये लगता है कि बस हमें गोदी में दे दें, हम खूब सारा उनको खिला लें, उसके साथ में खूब सारी मस्ती कर लें, बट वो ना उनके अकॉर्डिंग नहीं हो सकती चीज़ें। सो यहाँ पे दीदी जा रही थी, थोड़ा सा घर का माहौल ऐसे ही हो गया था इमोशनल भरा, क्योंकि दीदी जा रही थी और रॉबिन को हम बहुत मिस करेंगे। सो रॉबिन जा रहे थे और ये भी जा रहे थे साथ में, बट कुछ रीजन के वजह से फिर इनको वापस आना पड़ा, मतलब भोपाल तक ये गए, फिर भोपाल से ये वापस आ गए। सो दीदी और ये दोनों जा रहे थे, बट फिर ये वापस आ गए थे भोपाल से, और दीदी जा रही हैं, हाँ बाय बोल रही हैं, मम्मी नीचे जा रही हैं छोड़ने के लिए। दीदी एंड पतिदेव जी दोनों चले गए, अब हम बचे हैं, हम दोनों बाद में जाएंगे। आज मौसम ना बहुत ज़्यादा खराब हो रहा, क्या छोड़ा चिट्टी जैसा बारिश जैसा मौसम हो गया, एंड बादल भी बहुत गरज रहे हैं। कैसा मौसम हो रहा है मम्मी, दो तीन दिन से अजीब सा गीले हो गए, यहाँ के भी बैलून निकल गए साइड के, डेकोरेशन पूरी खराब कर दी बच्चों ने, ये देखो यहाँ पे पूरा सब कुछ खराब कर दिया। अच्छा अंदर चलो, अब घर पूरा खाली खाली सा हो गया। मम्मी देख रहे हो इतना बड़ा डंडा डंडा तो रख दो, तो गाय सारे लोग चले गए, घर एकदम खाली खाली हो गया। रुद्राज पीछे कार्टून देख रहा है, क्योंकि आज रॉबिन चला गया ना, तो उसको सुना सुना लग रहा है, और उसके साथ कोई खेलने वाला है नहीं, सो वो कार्टून देखने में लगा हुआ है। एंड अभी बनाना है खाना, तो चलिए खाना बना लेते हैं, एंड मैं इस वीडियो का एंड करती हूँ यहीं पे। और एंड आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना, एंड हमने न्यू बॉर्न बेबी का जो वेलकम किया वो कैसा लगा आप लोगों को ये ब्लॉग ज़रूर बताना कॉमेंट सेक्शन में, एंड ढेर सारी उसके लिए ब्लेसिंग देना, एंड ढेर सारा अपना आशीर्वाद देना। सो गाइस इस वीडियो का इंप्लांट करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, ख्याल रखिए, एंड ढेर सारा अपना प्यार दीजिए, तब तक के लिए बाय बाय।